हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभिषेक टेस्ट गार्डन। टेस्ट गार्डनिंग की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कड़ी पत्ते की, कि अगर समर में कड़ी पत्ते की केयर किस प्रकार करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा ये कड़ी पत्ते का प्लांट है और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इसमें नई नई ब्रांचेस भी आ रही हैं इस प्रकार से, और ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है, काफ़ी अच्छा ग्रीन प्लांट है और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कड़ी पत्ते के प्लांट की केयर समर में किस प्रकार करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। तो फ्रेंड्स, जो कड़ी पत्ते का प्लांट होता है वो हमारा समर का प्लांट होता है। तो अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो इसे आप फरवरी मार्च के महीने में आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे फरवरी मार्च में या नर्सरी से बाय कर सकते हैं, या इसे कटिंग से या इसको बीज से लगा सकते हैं। जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाता है तो फ्रेंड्स, उसमें यहाँ पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, और फ्लावरिंग आती है तो उसमें सीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका प्लांट मैच्योर है और अगर आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको कट कर दीजिए, हटा दीजिए, जिससे कि आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होने लगती है, आपका प्लांट बुशी होने लगता है, घना होने लगता है। और अगर आपको सीड्स की ज़रूरत है तो उन सीड्स को पकने दीजिए। जब आपके सीड्स काले पड़ जाएं, पक जाएं, अच्छे से काले हो जाएं, तब उनको आप निकाल लीजिए और उसको एक अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी बना के उसमें लगा सकते हैं, जिससे कि आपके कड़ी पत्ते का प्लांट सीड से भी ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप कड़ी पत्ते के प्लांट को जल्दी और अच्छा ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग से लगाने पर इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती है आपको, जितनी आप सीड से लगाने पे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक प्लांट सीड से लगाया था और ये सीड से ग्रो हो रहा है। ये मेरा सीड्स लगाया हुआ है, कि देखिए आप। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर मैंने एक सीड डाल दिया था इसका, तो इस प्रकार से सीड से भी ग्रो हो जाता है प्लांट। पर जितने आसानी से कटिंग ग्रो हो जाती है, जितनी फास्ट आपको कटिंग से प्लांट आपका ग्रो होता है, उतना सीड से नहीं होता है। और आप इसे अगर नर्सरी से बाय करना चाहते हैं तो नर्सरी से भी आप इसे एक मैच्योर प्लांट बाय कर सकते हैं। और इसको आप जब भी बाय करें तो फरवरी मार्च के महीने में ही बाय करें। सर्दी के समय फ्रेंड्स, आप इसको बिल्कुल भी बाय ना करें। सर्दी अक्टूबर से लेके जनवरी दिसंबर तक आप इसको बिल्कुल भी नर्सरी से लेके ना आएँ, क्योंकि ये प्लांट उस समय डोरमेंसी में होते हैं। तो इसका जो टाइम है फ्रेंड्स ग्रोइंग का, वो आपको मार्च से लेकर सितंबर तक होता है। तो इस समय आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें फर्टिलाइज़र की, तो आप इसमें काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसमें वर्मी कंपोस्ट दिया है, और आप इसमें टी लीफ फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी यूज टी होती है उसको आप अच्छे से सुखा के वॉश कर लीजिए, और उसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टी लीफ फर्टिलाइज़र होता है वो एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक और नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले मिट्टी को अच्छे से थोड़ी सी गुड़ाई कर लेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके प्लांट में पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं या पत्तियां झड़ रही हैं, तो उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे कि आपके प्लांट या तो आपने बहुत तेज़ धूप में रखा हुआ है और उसकी मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो रही है, तो ऐसे में आपको उसको ज़रूरत है कि आप अपने प्लांट को 2 से 3 बार वाटरिंग करें। एक बार आप सुबह कर सकते हैं, एक बार आप दोपहर में, और एक बार आप शाम को भी वाटरिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। गर्मी में आपको पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स प्लांट के लिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे इस प्रकार से कुछ टी लीफ फर्टिलाइज़र दे दूँगा। तो इस प्रकार से आप भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं चाय पत्ती का। घर में जो आपके चाय पत्ती बनती है उसको अच्छे से सुखा के, ड्राई करके, वॉश करके आप इसको दे सकते हैं। इससे आपके प्लांट में काफ़ी अच्छा नाइट्रोजन मिलता है, जिससे कि आपके प्लांट की पत्तियाँ अच्छी ग्रीन हो जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से इसको दे दिया है फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे।
तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें आपको अगर आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो उसके 2 से 3 कारण हो सकते हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे तेज़ धूप में रखा हुआ है, अगर आपके इधर अभी 40 से 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो आप इसमें वाटरिंग का बहुत ध्यान रखिए। आप इसमें 2 से 3 बार पानी दे सकते हैं। अगर आप इतना पानी नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसमें मल्चिंग कर दीजिए, जो हमारे नारियल के छिलके आते हैं उससे आप इसको पूरा कवर कर दीजिए और फिर आप पानी दीजिए, तो आपका पानी जो मिट्टी है वो जल्दी ड्राई नहीं होगी। फ्रेंड सेकेंड होता है, सेकेंड अगर आपके प्लांट की पत्तियां तब भी पीली पड़ रही हैं तो फिर आपको इसको फर्टिलाइज़र देना है। आप इसमें टी लीफ फर्टिलाइज़र, मतलब चाय पत्ती की का फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो और फ्रेंड्स, जब भी आपके प्लांट की पत्तियां फिर भी पीली पड़ रही हैं और गिर रही हैं तो हो सकता है आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया हो। तो आपने गमले को नीचे से चेक कर, अगर उसमें नीचे से रूट्स बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके प्लांट रूट बाउंड हो गया है। उसको आप निकालिए और उसको किस प्रकार रिपोर्ट करना है इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर दिया हुआ है। मेरा ये प्लांट फ्रेंड 3 से 4 साल पुराना है और मैंने इसे एक बार रिपोर्ट किया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा किस प्रकार आप अपने कड़ी पत्ते के प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उस समय मेरा प्लांट भी फ्रेंड्स पूरा इस प्रकार से सूख गया था और झड़ने लग गया था। उसके बाद मैंने इसको रिपोर्ट करा है, जब से ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, देखिए आप। और फ्रेंड्स, आप इसको घना बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से पिंच करते रहिए इस प्रकार से। तो यहाँ से इसमें इस प्रकार से पिंचिंग करते रहिए तो नई नई ब्रांचेस इसमें निकलते रहेंगी। और फ्रेंड, जब भी आप कड़ी पत्ते को तोड़ें तो कुछ ध्यान रखें कि आपको कड़ी पत्ते को इस प्रकार से नहीं तोड़ना है, कि उसकी पत्तियों को इस प्रकार से नहीं तोड़ना है, आपको इसकी ब्रांच को ही तोड़ना है इस प्रकार से पूरा। तो इसमें नई नई ब्रांचेस भी आती रहेंगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड, जब भी आप कड़ी पत्ते को घर पर लगाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जिससे आपका कड़ी पत्ते का प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो होता है, ग्रीन होता है और हेल्दी ग्रो इस प्रकार से घना बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।